नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हम सभी के इस YouTube चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर विभूति शर्मा संजीवनी होम्योपैथी। मैं हूं डॉक्टर विभूति शर्मा और आज बात करेंगे डकारें, खट्टी डकारें, सारे इरिटेशंस जो होते हैं उस पे और उसके ही दवाई के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। वीडियो बहुत छोटा सा है इसलिए पेन और कागज लेके बैठ जाइए क्योंकि आपको लिखना है नाम दवाई का भी। खट्टी डकार आना एक बहुत सामान्य समस्या हो गई है और इस छोटे से वीडियो के बारे के माध्यम से मैं आपको इस बारे में बताऊंगा कि खट्टी डकारों के लिए कौन सी दवाई दी जाए। सामान्य समस्या है लेकिन तकलीफ देती है। खाना यदि पूरी तरह से डाइजेस्ट ना हो पाए, पूरी तरह से पच ना पाए और आमाशय से ही बाहर गैस के फॉर्मेट में बाहर निकलता है तो इसे खट्टी डकार बोला जाता है, सार इरिटेशन। खट्टी डकार खट्टी इसीलिए बोली जाती है क्योंकि ये नॉर्मल डकारों की अपेक्षा, नॉर्मल डकारे मतलब गैस आना, गैस पास होना, नॉर्मल डकारों की अपेक्षा इसमें एसिड कंटेंट होता है जो आपका रिफ्लक्स होने वाला एसिड होता है, जो ऊपर की तरफ चढ़ने वाला एसिड होता है उसकी वजह से होता है और इसके कारण गैस्ट्राइटिस या रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस की वजह से हो सकता है। और ज्यादातर गैस्ट्राइटिस या रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस नाम की जो तकलीफें हैं उसमें ये होता है, जिसमें एसिडिटी भी होती है और आपको सीने में जलन भी होती है लगभग ये जगह पे। या आपने देखा होगा कि हम लोग जो शर्ट पहनते हैं उसके दूसरे तीसरे नंबर के जो बटन होती है, ये फर्स्ट हो गई सेकंड थर्ड, इस एरिया में जहां पे हड्डी सीने की हड्डी खत्म होती है वहां पर हमें दर्द होता है या जलन होती है या कुछ फंसा फंसा लगता है, भारीपन लगता है। तो ये जो तकलीफ है ये है खट्टी डकारों की और गैस्ट्राइटिस या रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस के लिए। इसके लिए मैं बता रहा हूं आपको दो दवाइयां जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहली दवा का नाम नोट करें, लाइकोपोडियम 200। दो दो बूंद दिन में 2 से 3 बार की मात्रा में आपको बहुत आराम मिलने वाला है अपनी खट्टी डकारों की तकलीफ से। दूसरी जो दवा है बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी दवा है जिसमें एसिडिटी यानी जलन के साथ खट्टी डकारें आती हैं, ये हैं, इस दवाई का नाम है हाइड्रस्टिस। हाइड्रस्टिस को मैं 30 पोटेंसी में प्रेफर करता हूं कि आप हाइड्रस्टिस 30 पोटेंसी में यूज करें, दो दो बूंद सुबह शाम की मात्रा में और आप फर्क देखेंगे, आपको ये तकलीफें बहुत अच्छी हो जाएंगी। और ये सामान्य दवाइयां हैं जो आप अपने घर पर रख सकते हैं और इससे आपको किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये सभी दवाइयां साइड इफेक्ट रहित हैं, किसी भी तरह के बहकावे में ना आए। ये दवाई आपको किसी भी तरह से पोस्ट से नहीं मंगानी है, हम किसी को भी ये दवाई भेजते नहीं है, आपको भी कहीं से लेना है, आपको सीधे ऑनलाइन फार्मेसी से ऑर्डर कर देना है या फिर आप देश में कहीं भी हैं किसी भी जगह से होम्योपैथी स्टोर्स में या होम्योपैथी डॉक्टर से आप इसे पा सकते हैं। बहुत सस्ती दवाइयां हैं और बहुत इफेक्टिव दवाइयां। वीडियो को सब्सक्राइब कर लें यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, ये छोटे वीडियो वाली सीरीज के वीडियो हैं और फर्स्ट एड वाली सीरीज के वीडियो हैं। लाइक कर दें यदि आपको पसंद आया है, कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको कैसा लगा और आपकी तकलीफें क्या हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दें ताकि बाकी लोगों को भी इसका फायदा हो। वीडियो को देखने के लिए, अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।